बच्चों ने आजकल के बार बार ये साबित करके दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है। आज हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा है जिसका नाम है शेकी, और 15 लाख बच्चों में उसकी सबसे टुच्च रैंक आई है। जी हाँ, 15 लाख बच्चों में वो बना है टॉपर नीचे से। तो आइए स्वागत करते हैं शेकी का इस इंटरव्यू में। तो शेकी, आपने तो इतिहास रच दिया। इतिहास रचे कहाँ है, मिट्टी मिला दिए मिट्टी में। खैर, अगला सवाल। आप एक बहुत बड़े शहर से आते हैं, एक बड़े शहर के एक बड़े घर से आते हैं, और जनरली ऐसे घरों में प्रेशर होता है कि बहुत अच्छा नहीं करना है, क्योंकि पैसे तो बहुत होते ही हैं। तो इस दबाव में भी आपने इतना अच्छा कैसे कर लिया? जी मैंने इतना नहीं सोचा, क्योंकि मैं तो किताब खोल के अपने गेम में लगा रहा। 700 में से पूरे -700, ये अंक जब आपके माँ बाप सुनते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? जी मेरे सामने तो बहुत खुश रहते हैं, पर पता नहीं क्यों जब भी रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे अंदर जाके दीवार पे सर मारने की आवाज़ें बहुत आती हैं। अब हर खुशी तो भगवान देता नहीं है। खैर, ये जो परीक्षा आपने दी है, ये मतलब ऐसी होती है कि ये बहुत आसान मानी जाती है, क्योंकि अगर इसमें अगर कोई बिना पढ़े भी जाए तो भी 10-20 नंबर आ जाते हैं। इसमें भी आपके फुल माइनस में मार्क्स आए हैं। क्या फॉर्मूला क्या है आपके इस सक्सेसफुल फेलियर का? देखिए जी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हार्डवर्क है, और हार्डवर्क के साथ थोड़ा हार्डकोर सॉफ्टकोर है, स्मार्ट वर्क भी है, तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी है। लेकिन माइनस में मार्क्स संभव कैसे हो पाया? देखिए ये पूरा प्रोसेस है, मैं पहली बार 11th में फेल हुआ था, 11th में। फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरे मार्क्स कम होते गए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और देखिए जी आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, दिन भर में आप अपने तरीके से कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए जी, अगर आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ना है ना, तो अपने आप को समय में मत बांधो। मैं जी स्कूल में भी खेलता था पीछे बैठ के, फिर कोचिंग में गैंग बना के खेलता था, उसके बाद मैं तब तक खेलता रहता था जब तक पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो जाए। अच्छा, आपके हिसाब से जो NCERT की बुक होती है, क्या वो सफिशिएंट होती है तैयारी करने के लिए? NCERT की बुक पूरी तरह से सफिशिएंट है, और अलग से कोई बड़ी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल छुपाने के लिए। आपके अकॉर्डिंग ये जो आपका यूनिक तरीका है पढ़ाई करने का, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब है? मतलब किस टाइम ये पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, दिन में कि रात में? देखिए ये मैं मानता हूँ कि चूतिया बनाने का कोई समय नहीं होता, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चूतिया कब अच्छा बना पाते हो। आप सुबह चूतिया अच्छा बना पाते हो क्या, आप रात में चूतिया अच्छा बना पाते हो? अच्छा, ये जो अगले साल बच्चे एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, यही वाला, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए जो सबसे पहली एडवाइस मैं दूंगा वो कहूंगा कि जो स्कूल का सिलेबस है और जो कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं उनमें जितने टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप एक जगह अच्छे से लिख लो, और उन सारे टॉपिक्स की एकदम अच्छे से हेडिंग, सिर्फ हेडिंग पढ़ लो, ताकि जो उस टॉपिक की कहानी हो ना वो आप पहले से ही बना लो। दूसरी एडवाइस में मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करो, जितना हो सके उतना करो, और कुछ वीडियोज़ हैं जैसे नकली प्लम्बर है, नकली टैक्सी है, नकली टैक्सी में वो मोटर वोटर कैसे लगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, दोस्तों में डिस्कस करो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। और तीसरा मैं ये कहूँगा जी कि सबसे ज़्यादा विश्वास अपने ऊपर रखो, और जब भी एग्ज़ाम में कोई टफ क्वेश्चन आए तो आपस में कॉम्पिटिशन मत करो, मिलकर उस टफ क्वेश्चन का इतना टफ आंसर लिखो कि जो टीचर है वो आंसर पढ़ के अपनी नौकरी छोड़ दे। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो, है बहुत टचिंग है। खैर, आगे का क्या सोचा है? आपको देख के हम भी थोड़ा इमोशनल हो गए। खैर, आगे के लिए तो हमने सोचा है कि ये जो 8th 9th में जितने बच्चे होते हैं ना, जिनके 30-40 नंबर आते हैं, जो थोड़ा ज़मीन पे जुड़े होते हैं, जो उड़ते नहीं हैं, उनके साथ मिलकर मैं आम एवरेज पार्टी खोलूँगा। उसके बाद हम अभी से आंदोलन चलाएंगे सरकार के सामने कि इन बच्चों को जॉब दो, और तब जब तक ये बच्चे जो है 5-6 साल में कॉलेज पूरा करेंगे तब तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, है।
अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं या सोच सकते हैं? अरे लोकतंत्र, अरे अरे वाटर का केमिकल फॉर्मूला याद हो गया, H2O। एक मिनट, आप तब से फोन पे गेम नहीं खेल रहे थे? अरे पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो आप तो कुछ और एम कर रहे थे। मैंने क्या कहा था, चूतिया बनाने का कोई समय नहीं होता।